Stock and BMC. This is only a sponge. Whether this is a really high quality fabric. Hello guys, what's up? Welcome back to a brand new video of this channel. Today is our second servicing of the bike. December khatam hone aaya hai aur December ka I think as today is 23rd December and today is the second service of the bike jo main aapko already bata chuka hu. To is video ke bare mein kya khasiyat hai ki we are going to change the air filter of the bike stock to BMC. Abhi ye main kyu kar raha hu? इतना महंगा एयर फिल्टर क्यों लगा रहा हूँ? महंगा इसलिए क्योंकि इट्स कॉस्ट अबाउट 7,500 रुपीज़. दैट्स राइट, इट्स एक्सपेंसिव. अगर ये महंगा फिल्टर में लगा रहा हूँ तो कुछ तो बात होगी. तो जब बहुत महीनों पहले मैंने एक्चुअली अपने i20 कार में जब K&N का एयर फिल्टर लगाया तो इट वॉज लाइक इट सेटिंग इन अ न्यू कार एंटायरली. तो एयर फिल्टर बदलने से गाड़ी की टॉप स्पीड नहीं बढ़ती लेकिन उस स्पीड तक पहुँचने का टाइमिंग कम हो जाता है, यानी टॉर्क बढ़ता है और इनिशियल पिकअप बढ़ता है. तो ये होता है, ठीक है. सो लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट, आई मीन लॉट ऑफ पीपल अपनी बाइक थोड़ी सी बदनाम है कि इट्स हैवी, इट्स अंडर पावर्ड एंड दिस एंड दैट. तो इस यही सोच के मैंने सोचा कि एयर फिल्टर चेंज करके देखते हैं कुछ बदलाव आता है कि नहीं. सो दैट्स वाई टुडे वी आर गोइंग टू इंस्टॉल BMC का एयर फिल्टर. और आज वैसे ही सर्विसिंग है तो वो सब टैंक वैंक सब निकालना पड़ता है, तो वो लोग वैसे भी निकालेंगे और जब वो स्टॉक वाला निकालेंगे तब BMC वाला डाल देंगे. सिंपल एज दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे गाड़ी के पार्ट्स आ चुके हैं जो टूट चुके थे. अभी कौन से पार्ट्स हैं मैं दिखाता हूँ. ये दिख रहा है इसका कान. तो इसका एक्चुअली वैसे कोई यूज़ नहीं है, ये एक कॉस्मेटिक चीज़ ही है जो गाड़ी का लुक एनहांस करता है. तो ये टूट गया था, यहाँ से क्रैक हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे जिप टाई लगा दिए हैं. ये जब मैं क्या बोलते हैं अमलनेर गया था तभी वो टूट चुका था और यहाँ का मैं जिप टाई लगाना भूल गया और मैंने फेविक्विक से एक्चुअली चिपकाया था इसको, लेकिन ये भी निकल चुका है. तो इन केस इफ योर बाइक हैज़ अ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, यू कैन गेट इट चेंज. अभी 600 से 700 रुपये उन्होंने बोला है, अभी पता नहीं वो कितना इंस्टॉलेशन और इसका उसका लगाएंगे चार्ज. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे इज ट्यून आर सस्पेंशन. दैट्स राइट, दिख रहा है पर्पल वाला. तो ये सस्पेंशन ट्यून करने की वजह क्या है? यार मैं मानता हूँ कि आपके गाड़ी में जितना भी एडजस्टमेंट हो सकता है, आपको जितने कंपनी ने जितने आपको ऑप्शंस दे रखे हैं एडजस्टमेंट के, वो सारे आपको करने चाहिए और वही मैं करने जा रहा हूँ. Alright, so now it's the time to test 0 to 100 of the stock air filter. तो जैसा कि मैंने कहा था कि एयर फिल्टर जो है वो स्पीड नहीं बढ़ाएगा लेकिन क्या बोलते हैं उस स्पीड तक पहुँचने की क्या होता है टाइमिंग कम कर देगा. तो इनिशियल पिकअप बढ़ाएगा एंड टॉर्क बढ़ाएगा बेसिकली, ठीक है. तो स्पीड नहीं बढ़ाएगा लेकिन टाइमिंग कम करेगा, जैसा कि आपने i20 वाले शॉर्ट्स में देखा होगा. अगर नहीं देखा तो यहाँ पे आ रहा होगा, देख लो. ओके, दिस सीम्स टू बी अ गुड प्लेस टू टेस्ट द 0 to 100 क्योंकि तीन लेंस यहाँ पे स्प्लिट हो जाती हैं और बाकियों के लिए बहुत सारी जगह आगे जाने के लिए. तो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है. तो 3, नहीं साइकिल वाले को पहले आगे जाने दो. ओके सो 3, ओके ओके थोड़ा आगे चले जाओ. 3, 2, and 1. ओके सो दैट वॉज इट, 0 to 100. अभी कितना हो गया वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा. Alright, so I am at Benelli Kolhapur finally. So अभी जॉब शीट वगैरह ये सब बना दिए, मुझे गेट पास दे दिए. ये तब काम में आएगा जब सर्विसिंग खत्म हो जाएगा और मैं जाते टाइम ले लूँगा. दे हैव मोटो वोल्ट ऑल्सो हियर. मोटो मोरनी या साइड, सॉरी मोटो वोल्ट या साइडला, बेनेली त्या साइडला. फैंसी. सो दिस बाइक हैज एवरीथिंग दैट आर बाइक डजंट, विच इज स्विचेबल ABS and good amount of power on road, almost 8 lakh 60 bola na, 8 lakh 60 that one, 8 lakh 85 this one, 17 in the back, 19 in the front. But 8 lakh 60 thousand mein I don't know against the versus ye kaise chalegi, kyunki versus is a really good bike and I don't know about this one.
सोंटे स्कीवे ये सब देख के हो गया। आप देख सकते हैं पीछे सर्विसिंग के लिए हार्ले डेविडसन भी खड़ी है, क्योंकि ये लोग थर्ड पार्टी सुपर बाइक्स का भी सर्विसिंग करके देते हैं। तो लेट्स सी हमारा हाल क्या होता है। वन मोर TRK। तो प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है, प्लेटफॉर्म पे लगने के बाद काम स्टार्ट होगा। साइड में 300 और 250 खड़ी है। द टैंक इज बीइंग रिमूव्ड। उसके बाद इसके नीचे होगा एयर फिल्टर का बॉक्स और फिर रिप्लेस करेंगे एयर फिल्टर। और ये कान भी निकल चुके हैं। न्यू पार्ट्स ने ओल्ड वाले कर ले एक सेकंड। न्यू एंड ओल्ड क्रैक इतने ज़्यादा होते हैं। Okay, so this is the BMC cold air intake and जो अभी निकाला उन्होंने वो मैं आपको दिखाता हूँ। stock and BMC this is only a sponge, whether this is a really high quality fabric। अच्छा ओके, लगेज लागेल काय? कमी लागेल। ओके ठीक आहे। ओके ऑलराइट, सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी बस टेस्टिंग बाकी है। रिस्पांस बढ़ चुका है। ओके अभी उन्होंने मुझे एक सस्पेंशन एडजस्टमेंट दिखाया, इट वाज सो फ्रिकिंग इजी। लेकिन वो एक्चुअली स्प्रिंग के लेंथ को कम ज़्यादा नहीं करता है, वो हार्ड सॉफ्ट उसने कुछ तो बोला कि अंदर के स्प्रिंग सस्पेंशन को हार्ड सॉफ्ट करता है। अभी उसने क्या बोला मैंने क्या समझा वो पता नहीं। अभी तो सॉफ्ट लग रहा है यार, मैं तो आपको दिखाता हूँ बाद में वीडियो में वो कैसे एडजस्ट करना है। इट्स वे मोर इजी देन आई थॉट। और जो कंपनी के टूल किट में आया था वो एक्चुअली स्प्रिंग का लेंथ कम ज़्यादा करने वाला था। ओ मैन, रिस्पॉन्स बढ़ चुका है। आई कैनॉट वेट टू ट्राई दिस ऑन द हाईवे कि कितना स्पीड अपना, मतलब टॉर्क कितना बढ़ चुका है या रिस्पॉन्स कितना बढ़ चुका है। और एक बात कि जो हमने बैश प्लेट लगाई थी उसमें से वाइब्रेशंस आ रहे थे, साउंड आ रहा था, तो उन्होंने रबर डाल दिया बीच में, तो वो एक चीज़ है। हाँ सॉफ्ट थोड़ा जाणवा लागला आता। हाँ ते आता जरा खड्ड्यात गेल्यावर कळेल। ओके थैंक यू, चला भेटू। एयर फिल्टर का रिस्पॉन्स आई कैन फील इट। और बैश प्लेट से आवाज़ जब उन्होंने बताया तब मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे तो कोई आवाज़ लगा नहीं। रिस्पॉन्स, दिस इज व्हाट वी वांट, रिस्पॉन्स इज व्हाट वी वांट। अब आएगा ना मजा भेड़ो। ओह गॉड, अभी 60-70 से ओके ठीक है, मैं
ये ट्रैफिक वैफिक को हटा के थोड़ा सा मिलता हूँ आपको मैं बाहर मिलता हूँ, क्योंकि आज के वीडियो का राइडिंग ये फोकस नहीं है, बट बिफोर एंड आफ्टर ज़्यादा फोकस है। ऑलराइट गाइस, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ हैज़ कम। अभी इशू ये है कि रात हो चुकी है, लाइट थोड़ी सी नीचे जा चुकी है, तो यहाँ पे कितना दिखेगा आपको मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो दिखेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि 100 पहुँच गया मैं, ठीक है। डेफिनेटली आई कैन फील द डिफरेंस इन इनिशियल टॉक, नॉट इन द मिड रेंज, बट इनिशियल 1000-2000 RPM में उसका डिफरेंस मुझे मालूम पड़ रहा है। जब मैं थोड़ा सा भी थ्रॉटल ब्रूम करता हूँ तो गाड़ी उठती है। एंड आप देख ही सकते हो कि कान बदल दिए हैं, और नई चीज़ मालूम पड़ी कि वाइब्रेशन आ रहे थे बैश प्लेट से, तो वहाँ पर रबड़ डाल दिया है। ये भी जिप टाई जो था वो ब्लैक वाले जिप टाई के साथ रिप्लेस हो गया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना मेन काम शुरू करते हैं। ओके, 3, 2, 1। पहुंच गया। अभी पता नहीं कितना डिफरेंस है, वो मैं कैलकुलेट करके स्क्रीन पर डाल दूंगा। राइट गाइस, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, शेयर दिस विद योर बेनेली TRK फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। और सस्पेंशन एडजस्टमेंट का वो ट्रिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बाय।